operations. Now next C program, write a C program that will print the first and last digit of given number. Suppose that we are entering some numbers as 4, 2, 6, 5, like that. Here first digit is 4 and last digit is 5. 4 is a first digit and 5 is a last digit of a given number, like that. Means previous case mein display kar raha tha reverse of complete number or sum of all digits or square of the all digits, like that. But in that case we want to display only first digit and last digit of entered number, where number may contains any number of digits. Again same case of perform kya karein, almost similar operations. Void main, we have required two variables. इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन एंटरिंग नंबर्स, नंबर को एंटर करने के अलावा फर्स्ट डिजिट कैलकुलेट करने के जस्ट बाद आप किसी सेपरेट वेरिएबल में असाइन कराओगे, सेवन लास्ट डिजिट जनरेट करने के बाद आसान केस में कराएं सम सेपरेट वेरिएबल्स. इन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए टोटल इनिशियली रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने हैं, एटलीस्ट थ्री वेरिएबल्स, नंबर कॉमा फर्स्ट कॉमा लास्ट. इस फर्स्ट में साइन कराएं फर्स्ट डिजिट, लास्ट में साइन कराएं लास्ट डिजिट, लाइक दैट. नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, पोर्ट्स एंटर नंबर, पोर्ट्स एंटर नंबर, स्कैन ऐप परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर्स. नेक्स्ट नंबर के लिए वैल्यू रीड कराने के जस्ट बाद फर्स्ट डिजिट अगर सबसे पहले फाइंड आउट करें लास्ट डिजिट, क्योंकि लास्ट डिजिट डायरेक्टली रिट्रीव करना पॉसिबल है. लास्ट डिजिट को रिट्रीव करने का ऑपरेशन क्या रहेगा, सिंपली लास्ट इक्वल्स टू नंबर मॉड्यूलो वाई 10. मीन्स किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट रीड करना है, सिंपल ऑपरेशन क्या है, नंबर मॉड्यूलो वाई 10. सपोज दैट अगर एंटर नंबर क्या है, सेम 4, 2, 6, 5. इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है इसका, एग्जैक्टली 5, यानी 5 आसान किस में जाएगा वेरिएबल लास्ट में. आफ्टर दैट अब रिक्वायर्ड क्या है रिमेनिंग केसेस में, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट तक पहुँचने के लिए आप सिंपली बार बार इस नंबर के रिमेनिंग डिजिट तब तक रिमूव कराओ जब तक नंबर इटसेल्फ 10 से छोटा ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट केस में नंबर क्या है 4, 2, 6, 5, फर्स्ट टाइम मीन्स करंटली असाइन केस में इनसाइड वेरिएबल नंबर्स इज द फर्स्ट इनिशियल वैल्यू. आफ्टर दैट जब इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा इसका 4, 2, 6. नेक्स्ट टाइम अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आया था प्रीवियस केस में, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट क्या रहा है 4, 2. अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा ओनली 4. तो फाइनली नंबर 10 से कब तक डिवाइड करना, जब तक नंबर का वैल्यू 10 से छोटा नहीं हो जाता. मीन्स प्रीवियस सभी केसेस में तीनों के तीनों वैल्यू कैसे हैं, ग्रेटर देन 10. देन कोई भी डिजिट नंबर ऑलवेज क्या होगा, मीन्स डिजिट्स क्या होंगे बिटवीन 0 to 9. सारे के सारे डिजिट्स कैसे हैं, लेस देन 10. इसलिए कंडीशन क्या लगाएं, डिवीजन कब तक परफॉर्म कराना चाहिए, जब तक नंबर 10 से छोटा है. नेक्स्ट कंडीशन, while number greater than 10, while number greater than 10, then perform number equals to number divided by 10. इस ऑपरेशन का मेन पर्पज क्या है, 1 by 1 ईच डिजिट्स और ऑल डिजिट्स को रिमूव कराना. चेक इट, अगर इसी केस में अप्लाई करेंगे इस ऑपरेशन के केसेस में, फर्स्ट वन अगेन वी आर टेस्टिंग सेम प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनपुट और एनी नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, थ्री वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इसलिए नंबर, इसके अलावा अदर वेरिएबल एज फर्स्ट एंड अदर वेरिएबल एज लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट. नेक्स्ट वन, सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर 4, 2, 6, 8, लाइक दैट. या फर्स्ट डिजिट मीन्स इस इनपुट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या, फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट में क्या आसान होना चाहिए 4, लास्ट के केस में आसान क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट एस 8. जब इस प्रोग्राम को प्रोसेस करें स्कैन ऐप के थ्रू, एंटर किया गया सम नंबर, आफ्टर दैट
नंबर, नंबर का करेंटली वैल्यू क्या है 4268। इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने पर अभी ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसलिए रिटर्न क्या वैसे लास्ट डिजिट ऑफ नंबर्स 8 इज असाइंड टू द वेरिएबल लास्ट, मीन्स लास्ट डिजिट तो अभी लो चुका है, अभी रिट्रीव क्या करना है फर्स्ट डिजिट, रिमेनिंग केस क्या हो जाए कैलकुलेटिंग और आइडेंटिफाइंग फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट के लिए अप्लाई करेंगे गिवन लूप्स, जब ये लूप एग्जीक्यूट हो लूप कब तक चलेगा जब तक नंबर का वैल्यू 10 से बड़ा है, फर्स्ट टाइम इनिशियली फर्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करेंगे नंबर क्या 4268 ग्रेटर देन 10 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन इसका 10 से डिवीजन होगा, 10 से डिवीजन होने पर जो भी न्यू रिजल्ट आएगा, न्यू रिजल्ट क्या आएगा इस केस में फोर एक्चुअल नंबर क्या 4268, 10 से डिवाइड करने पर एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा इसका 426.8। लेकिन इंटीजर ऑपरेंड्स की केस में कंसीडर क्या हुआ ओनली इंटीजर पार्ट व्हिच इज 426 असाइन टू द वेरिएबल नंबर्स, इस नंबर का न्यू वैल्यू क्या है 426। आफ्टर दैट नंबर में 426 असाइन होने के जस्ट बाद अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन में और नंबर का करंट वैल्यू क्या है 426 ग्रेटर देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो, करंट वैल्यू क्या है 426, 10 से डिवाइड करने पर इसका डिवीजन क्या है 42.6, लेकिन दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर है इसलिए रिजल्ट क्या आएगा ओनली 42 मीन्स इंटीजर डिवीजन। देन अगेन ये रिजल्ट किस में आसान हो जाएगा नंबर में 42। आफ्टर दैट अगेन कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट होगा नंबर का करंट वैल्यू फाउंड हो रहा है 42 ग्रेटर देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराएंगे मीन्स इसका रिजल्ट क्या है कंडीशन इज ट्रू, ट्रू होने पर देन अगेन फिर से परफॉर्म क्या हुआ बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी में नंबर का वैल्यू क्या है 42, 10 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा इसका 4.2, लेकिन इंटीजर पार्ट क्या ओनली 4, ना 4 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, मीन्स नंबर का फाइनल वैल्यू क्या हो चुका है 4। अगेन परफॉर्म क्या कराएंगे कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट वो नंबर के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे 4 ग्रेटर देन 10 कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन इज कम्प्लीटली फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, चेक करो नंबर के केसेस में ऑलरेडी जब कंट्रोल लूप से बाहर आ गया था नंबर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल क्या है फर्स्ट डिजिट, मीन्स आप चाहो तो इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल फर्स्ट क्रिएट करने की नीड ही नहीं है, मीन्स नंबर इटसेल्फ कंसीडर करेगा एज अ फर्स्ट डिजिट, फिर अगर आप चाहो तो इस केस में लूप के बाद सिंपली आसान क्या करा लोगे फर्स्ट इक्वल्स टू नंबर, नंबर का करंट वैल्यू 4 कॉपी किस में जाएगा इनसाइड नंबर। After that, finally we are displaying value of number. Display क्या कराएं print f first digit. ये सबसे पहले क्या print करा रहे हैं इसके इसमें first digit. First digit is percent is less than display value of variable first. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कराना वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करेंगे प्रिंट एफ लास्ट परसेंट इज लेस देन लास्ट देन क्लोज इट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मीन्स इस केस में डिस्प्ले क्या हो वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू ऑफ लास्ट, फाइनली आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा इस केस में आउटपुट ऑफ फर्स्ट डिजिट के केस में क्या प्रिंट होगा फर्स्ट कॉलन 4, लास्ट की केस में डिस्प्ले हुआ लास्ट कॉलन 8, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर गिवन इनपुट डेटा।